आज हम काफ़ी लोगों की जो कन्फ्यूजिंग है वो दूर करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि भाई आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इतनी ख़तरनाक जगह पे जंगल में आप क्यों रह रहे हैं, और मतलब आपका रहने के लिए ये कमरा भी ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को बता दें। कमेंट भी आते हैं रोज़ाना, और व्हाट्सएप पे भी हमें काफ़ी लोग मतलब ये सवाल करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर अपना वीडियो पे दिया हुआ है ना, तो इसलिए काफ़ी लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो हमने सोचा क्यों ना आज अपने व्यूवर को ये भी सब कुछ बता देते हैं। और वो वीडियो सबके नीचे है, जो हमारी जितनी भी वीडियो है ना सबके नीचे है, तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहें उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक ओपन करें, उस वीडियो को देखें, आपको सब कुछ का पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ठीक है, नहीं तो कम्युनिटी में भी मैंने लिंक शेयर कर दी है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम हो गया जी आपके अपने यूट्यूब चैनल आलिया व्लॉग पर। प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अस्सलामुअलैकुम हमारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अल्लाह ताला के फजल व करम से और आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो जो हमारे चैनल पर न्यू आते हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो प्यारे व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज हम काफ़ी लोगों की जो कन्फ्यूजिंग है वो दूर करने जा रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि भाई आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इतनी ख़तरनाक जगह पे जंगल में आप क्यों रह रहे हैं, और मतलब आपका रहने के लिए ये कमरा भी ठीक नहीं है, तो आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स को बता दें। कमेंट भी आते हैं रोज़ाना, और व्हाट्सएप पे भी हमें काफ़ी लोग मतलब ये सवाल करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। हमने व्हाट्सएप नंबर अपना वीडियो पे दिया हुआ है ना, तो इसलिए काफ़ी लोग हमसे यही सवाल करते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो हमने सोचा क्यों ना आज अपने व्यूवर को ये भी सब कुछ बता देते हैं। तो व्यूवर्स, ये बात हम बताते हैं, लेकिन आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर वीडियो स्किप करोगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है। व्यूवर्स, सबसे पहले एक बात बताऊं, कल जो है ना बारिश आई थी लगातार 2 घंटे, तो अब पता ही नहीं चलता। ये देखें, टेले जो हैं सूख चुके हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इधर बारिश आई थी या नहीं। और ये देखें माशाल्लाह घने घने बादल उठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी अच्छा मौसम बन रहा है माशाल्लाह। तो अब टेले पे चलता हूँ, उधर चल के और बातचीत करते हैं। और ये देख सकते हैं आप, जंगल टाइप का इलाका है। ये देखें जी, टेले के ऊपर आ गए हैं। अब इस तरफ देखें, काफ़ी जंगल है। वो बात शुरू करते हैं, मौसम भी आपको दिखा दिया, मौसम बहुत ही अच्छा बन रहा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो व्यूवर्स, असल में जो बात बताने जा रहा हूँ अब मैं वही बताता हूँ कि हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं, इसकी क्या वजह है। व्यूवर्स, जब का हमने ये चैनल बनाया था तो हमारे घर वालों ने हमें घर से निकाल दिया था। तो जब निकाला था उसी दिन, जिस दिन उन्होंने हमें घर से निकाला था, तो उस दिन हम अपने घर वीडियो बना रहे थे, तो वीडियो वो रिकॉर्ड हो चुकी थी। मतलब जब उन्होंने मतलब आके हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया था, तो वो वीडियो हम बना रहे थे, तो उन्होंने अचानक ही हमारे ऊपर हमला किया, तो वो वीडियो रिकॉर्ड होती रही। वो थोड़ी बहुत हो गई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई। तो वो वीडियो सबके नीचे है, जो हमारी जितनी भी वीडियो है ना सबके नीचे है। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाहें उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक ओपन करें, उस वीडियो को देखें, आपको सब कुछ का पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे क्यों रह रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ठीक है, नहीं तो कम्युनिटी में भी मैंने लिंक शेयर कर दी है, वहाँ जाके भी आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ जी, और व्यूअर्स, काफ़ी लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर जंगल, आपको डर नहीं लगता, यहाँ पर सांप नहीं होते? तो हाँ जी, यहाँ पर काफ़ी सारे सांप भी होते हैं और डर भी लगता है, सांप बिच्छू पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। चीज़ें रात को जो है निकली हुई होती हैं,
रात को ना चार पाई से नीचे नहीं दिल करता कि बंदा नीचे उतर या चले रात को, जैसे कि बच्चे उठते हैं वॉशरूम वगैरह करने के लिए, तो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल करता कि मैं यहाँ से जो है नीचे चार पाई से नीचे उतरूँ, तो काफ़ी मतलब कि डर लगता है। और बाकी व्यूवर्स आप देख सकते हैं इधर की जो लुक है वो आप देख सकते हैं, ये देखें जी। और व्यूवर्स वैसे आप देखें इस जगह पे डर तो लगता है, ये देखें जी कितनी छोटी छोटी वो हैं। हम तो अपने सराकी लफ्ज़ों में कहते हैं मतलब लाने फोग जाली जवा हैं पलाई पलाई ऐसा कुछ मिला जुला के, मतलब कितनी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। चीज़ें नहीं हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं। अच्छा, पौधे हैं या जो भी हैं, मतलब व्यूवर्स हम सराकी ज़ुबान है हमारी, तो हम आपके लिए ना उर्दू में बात करते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को अच्छे तरीके से समझ आए, क्यों जी। और बाकी आप मौसम के बारे में तो पूछें भी ना कुछ, आज बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, बहुत ही सुहाना मौसम बना हुआ है, मज़ा आ रहा है हमें, ठंडी ठंडी हवा है। और कल ना शाम को बारिश आई थी, दो घंटे लगभग बारिश आती रही, तो ये देखें बिल्कुल टेले सूख चुके हैं, पता भी नहीं चलता, पता यही चलता है कि यहाँ पे ना 6 माह पहले बारिश आई थी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। अजवा रानी और अली हमज़ा वहाँ नलके पे नहा रहे हैं, वो पूछ रहे थे अब्बू कहाँ जा रहे हो, अम्मी कहाँ जा रहे हो, हमने कहा हम आ रहे हैं आप यहीं पे रुको। और ये देखें व्यूवर्स ये सारी छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर काफ़ी ख़तरा होता है सांप पिच्छू। और वो देखें व्यूअर सामने सामने अली हमजा और अजवा नहा रहे नलके पे। व्यूअर्स बस इधर का ना व्यू चेक करें माशाल्लाह। जी तो प्यारे व्यूवर्स उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। आज का हमारा मेन मकसद यही था कि अपने व्यूवर्स को थोड़ा समझाएं, जो इनकी कन्फ्यूजिंग है ये दूर करें। उम्मीद करता हूँ आपकी ये जो परेशानी थी ये दूर हो गई होगी, दूर अभी तो नहीं हुई होगी, आप वीडियो देखेंगे तो फिर आपकी ये जो परेशानी है ये दूर हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं और इसकी क्या वजह है, और मतलब सब कुछ का आपको पता चल ही जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और लिंक कम्युनिटी में भी है, तो आप जा सकते हैं कम्युनिटी में भी और डिस्क्रिप्शन में भी, लिंक ओपन करके उस वीडियो को मुकम्मल देख के आपको पता चल जाएगा कि ये इसलिए रह रहे थे यहाँ पे और इनको ये परेशानी थी। बस अब आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, आप हमें बस सपोर्ट करें। हाँ जी व्यूअर्स, जितना हो सके आप लोगों से आप उतना हमारे चैनल को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को आगे शेयर भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, तो आपसे ये हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है बस। तो प्यारे व्यूअर्स आज की वीडियो में हमने बस ये कुछ बताना था और बता दिया है आपको, तो प्यारे व्यूअर्स फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। प्यारे व्यूअर्स इस वक्त लेते हैं इजाज़त, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।